किसान संगठन के नेता का सरकार पर हमला। राजू शेट्टी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसानों के मुद्दे पर राजू शेट्टी की सरकार को चेतावनी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे ये है स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता राजू शेट्टी। अपने सोलापुर दौरे के समय राजू शेट्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राजू शेट्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो 15 जुलाई से उनका संगठन किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। गौरतलब है कि 11 साल बाद एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर स्वाभिमानी किसान संगठन सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुट गया है। स्वाभिमानी किसान संगठन का आरोप है कि किसानों को दूध की सही कीमत दिला पाने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अब सरकार यदि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती तो संगठन के नेता 15 जुलाई की आधी रात से दूध की एक बूंद भी सोलापुर से बाहर नहीं जाने देंगे और जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। किसानों की इन परिस्थितियों का जिम्मेदार उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों को बताया। साथ ही ये कहा कि सरकार को पड़ोसी राज्यों से ये सीखना चाहिए कि वो अपने किसानों का ख्याल किस तरीके से रखते हैं। केंद्र सरकार ने आज ज्या हमीभाव जाहिर केलेला आहे ते बघितलं तर पुन्हा एकदा शेतकऱ्याची फसगत झाली आहे असं म्हणावं लागेल। अगदी कालपर्यंत सरकार आणि सरकारच्या वतीने प्रत्येक जण टाहो करून सांगत होता की शेतकऱ्याला आम्ही दीडपट हमीभाव देणार आहोत, परंतु आज जाहीर झालेले हमीभाव जर लक्षात घेतले तर गेल्या वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 20-22% त्याच्यामध्ये वाढ केलेली आहे, पण प्रत्यक्षामध्ये उत्पादन खर्च 25% वाढ झालेला आहे। रासायनिक खताच्या किमती 20% वाढलेल्या आहेत, डिझेल वाढल्यामुळे मशागतीचा खर्च वाढलेला आहे, मजुरीचा खर्च वाढलेला आहे आणि शिवाय GST अनेक वस्तू शेतकरी खरेदी करतो त्याच्या किमतीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे आणि या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे। मग वाढलेला उत्पादन खर्च एवढा जर काय हमीभाव वाढवून दिलेला असेल तर आतापर्यंतची जी पद्धत आहे हमीभाव देण्याची त्याच पद्धतीनं सरकारनं हमीभाव दिलेला आहे। दीडपट हमीभाव ही फक्त आणि फक्त वलगडा ठरलेला आहे आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची फसगत झालेली आहे। बहरहाल किसान आंदोलन और किसानों का मुद्दा अब हकीकत से फंसाने की ओर बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है कि मानो ये बंद बोतल का जिन्न हो जो समय समय पर ही बाहर आता है और वैसे जैसे कि चुनाव। कैमरामैन सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज सोलापुर।